साहब डॉक्टर आशुतोष झा जी हैं, जिन्होंने हमारे बाबूजी का 84 ईयर में ऑपरेशन किया निका, और वो बहुत सक्सेस हुए हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम से ही बाबूजी चेयर पर बैठने लगे। और मैं डॉक्टर साहब की बहुत आभारी हूँ क्योंकि इन्होंने जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। और मैं पूरी टीम को दिल से दुआ देती हूँ कि आपका हॉस्पिटल और आपका परिवार, आप सबका दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। और हमारे बाबूजी पुष्पांजलि महिला सेवा संस्थान के चेयरमैन हैं और संस्था में इनका बहुत योगदान है। और आज से आप लोग भी सब जुड़े हैं, और हमारे डॉक्टर साहब हैं विजय गुप्ता जी, और हमारे फिजियोथेरेपी डॉक्टर साहब जी हैं, इन्होंने सबने मिलके ये काम किया है। और मैं उन सबके लिए बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि हमारा ऐसे ही देश आगे बढ़े और बुजुर्गों की सेवा होती रहे, और बुजुर्ग आप जैसे लोगों से आगे हिम्मत करके आगे बढ़े, क्योंकि इस उम्र में यदि ये सक्सेस हो गया है तो कोई भी परेशान नहीं होगा। किसी को भी पैर में दर्द है या जो हार्दिक हमारे शारीरिक प्रॉब्लम होती है, कोई भी डॉक्टर की सलाह से ठीक हो सकता है। इसलिए पेशेंस रखना चाहिए, हिम्मत रहनी चाहिए, और हिम्मत होती है तो सारे काम अच्छे होते हैं। उसके लिए मैं डॉक्टर साहब की आभारी हूँ कि इन्होंने हमारे बाबू जी को जो है लाइव बनाया कि आज वो सीधे खड़े हो रहे हैं, और 2-3 महीने बाद ये बहुत अच्छे से चलेंगे। और आपके लिए फिर से हम लोग दुआ करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप भी कुछ बोलिए बाबूजी के लिए। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि बीके पॉल साहब ने जो हिम्मत दिखाई है, 84 साल की इनकी उम्र है और इनका पहले हार्ट का बाईपास सर्जरी भी हो रखा है, तो इस अवस्था में भी इन्होंने एक इच्छा जाहिर की कि मैं अपने घुटने पे फिर से ठीक होकर चलना चाहता हूँ। और हमारी हॉस्पिटल की मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ने बहुत ध्यान से इनको इवेल्युएट किया, और इवेल्युएट करने के बाद ये पाया गया कि ये अभी सर्जरी के लिए फिट है। तो सर्जरी तो हमने नॉर्मल जैसे हर मरीज की करते हैं, बेस्ट पॉसिबल केयर देते हैं, लेकिन जो खास बात पॉल साहब की रही वो ये कि इस उम्र में भी इन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई, इतनी जिजीविषा दिखाई कि जिस तरह से ये दूसरे दिन ही बैठ गए और तीसरे दिन इन्होंने वॉक शुरू कर दिया। तो समाज के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मैसेज है, जो कई बार ये घबराते हैं कि इस ऑपरेशन के बाद शायद हमें बिस्तर पे बैठना होगा या हम चल नहीं पाएंगे। तो पॉल साहब एट दी एज ऑफ 84 ईयर्स विथ कार्डियक बाईपास सर्जरी हैज सक्सेसफुली अंडरटेकन द सर्जरी, और इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद।